गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाउतनगर। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम सिखाएंगे हाउ टू ड्रा नॉकआउट फिक्सर। नॉकआउट फिक्सर कैसे ड्रा करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर प्रीवियस ईयर में आप उठा करके देखेंगे तो 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम लोग फिक्सर कैसे ड्रा करेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं और अच्छे से सीखेंगे। तो अब इसके पहले मैंने वीडियो में आपको सिखाया था कि फिक्सर फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आई थिंक उसको आप देखे होंगे। और अब हम लोग आते हैं कि फिक्सर ड्रा कैसे करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास टीम की संख्या ले लेते हैं, मान लो 13 है। ठीक है, नंबर ऑफ जो टीम है ना वो 13 है। यहाँ पर हम एन इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 13 टीम। ठीक है ना, तो मैच कितना होगा, हम लोग सीखे थे कि जो टोटल टीम होता है उसमें से एक घटा लेते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मैच होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आते हैं कि अपर हाफ में जो टीम होंगे वो कितने होंगे, तो एन प्लस 1/2, 13 + 1/2, 13 + 1/2 यानी 13 × 1 = 14, 14/2 यानी 7। अपर हाफ में जो टीम आएंगे वो 7 आएंगे, तो इसका मतलब है लोअर हाफ में कितना आ जाएंगे, तो लोअर हाफ में 6 आ जाएंगे। चलो फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर लेते हैं, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, 12/2 तो 6 ही आया, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद 2 के पावर n-1, तो देख रहे हैं कि टोटल 13 है तो 2 के पावर निकलते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो इसका वैल्यू अगर देखते हैं तो इसका वैल्यू 16 और है यहाँ कितना, 13 है। तो अब यहाँ पर घटा लेंगे ना, क्योंकि 2 के पावर n, 2 के पावर n ए ले लिए, 2 के पावर 4 ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर हाईलाइट 2 के पावर 4 ले लिए। और इसके बाद नंबर ऑफ टीम घटा लेना है, तो इसका वैल्यू कितना है, 16 आया, 16 में से 13 घटा लिए, तो 16 में से जो 13 घटा है तो कितना आया, 3 आ गया, यानी नंबर ऑफ बाइस हमारे पास 3 आ गया। अब राउंड क्या होगा, तो मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होता है वही राउंड होता है, तो 4 राउंड हो जाएगा। इसके बाद है 22 की संख्या क्या होगी अपर हाफ में, तो चलिए 22 की संख्या निकालते हैं, टोटल 22 कितना है, 3 है, तो 3 - 1/2, तो 2 में से 1 गया, 2, 2/2, तो कट गया, कितना आएगा, 1। अब नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ, तो नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ इसके लिए भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस करना है, 3 + 1/2, तो ये हो जाएगा 4, 4/2 कटेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास टोटल आ गए। ऐसा करते हैं अब हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, है ना, ये मान लेते हैं हमारे पास, इधर हम लोग शो करते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टीम है, टीम को हम टी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, और राउंड 4 राउंड है, इसलिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ए हम ले लिए टीम, क्योंकि हम 13 टीम पर बना रहे हैं इसलिए 13 टीम ले लिए। अब आता है कि अपर हाफ में कितना टीम होनी चाहिए, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा वो हाफ, अपर हाफ आ जाएगा, 1 से लेकर 7 तक अपर हाफ, 8 से लेकर 13 तक लोअर हाफ हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं हम 22 लेते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अपर हाफ में कितना 22 देना है, 1। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रिंसिपल है कि 22 कैसे बंटवारा करते हैं, 22 कैसे देते हैं, तो अगर अपर हाफ में दे रहे हैं तो हम टॉप से देना शुरू करते हैं, टॉप से 22 हम देंगे, पहले इसको देंगे, फिर इस अपर हाफ में नीचे को देंगे, फिर ऊपर को देंगे, फिर नीचे को देंगे, फिर ऊपर को देंगे, फिर नीचे को देंगे। लेकिन अगर लोअर हाफ में देते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं, पहले लोअर हाफ का नीचे से देंगे, फिर लोअर हाफ का टॉप को देंगे, फिर लोअर हाफ का नीचे को देंगे, फिर लोअर हाफ का टॉप को देंगे, ऐसे करते हैं। तो चलिए हम अपर हाफ में 22 देते हैं, तो अपर हाफ में एक ही 22 देना है, तो हम इसको 22 दे दिए, इसको 22 दे दिए। लोअर हाफ में देते हैं तो लोअर हाफ में 2 22 देना है, तो लोअर हाफ में नीचे से 22 देना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पर 22 दिए,
यहाँ 22 दे दिए, फिर एक और 22 बचा क्योंकि दो देना है, तो यहाँ पर अब इसको देंगे 22। ठीक है, दो इसमें देना था दे दिए, इसमें देना था दे दिए। अब चलते हैं मैच खिलाते हैं, तो चलिए 2 और 3 ये मैच खेलेगा, 3 और 4 ये मैच खेलेगा, 7 और 6 ये मैच खेलेगा। ठीक है, राउंड वन में सारे लोग मैच खेल रहे हैं, इधर मैच खेल रहे ये 11 को 12 से करा दी। अब इसमें से कोई विनर निकलेगा, ठीक है, इसमें से भी कोई विनर निकलेगा, इसमें से भी कोई विनर निकलेगा। अब ठीक है, ये बाई वाला तो खेला नहीं है अब तक, अब इसको खेलाएंगे राउंड सेकंड में। अब ये जो 4 5 में से कोई जीता होगा और 6 7 में से कोई जीता होगा, तो ये दोनों खेलेगा इसके साथ। ठीक इसी तरह से 22 वाले को हम खिलाते हैं राउंड सेकंड में, इसको भी खिला रहे हैं राउंड सेकंड के लिए। ठीक है, ये दोनों में कोई ना कोई जीता होगा, इसको भी मैच प्ले करवा रहे हैं, इसमें भी कोई ना कोई जीता होगा, इसमें भी कोई ना कोई जीता होगा, तो राउंड 3 में करवा दिए मैच ये दोनों को। अब यहाँ पर राउंड 4 के लिए कोई एक विनर हुआ होगा, इसमें भी लोअर हाफ में कोई विनर हुआ, और ये फाइनली मैच क्या करेगा, प्ले करेगा, तो यहाँ से भी कोई ना कोई विनर रहा होगा, ये विनर रहा। अब चलते देखते हैं कि कितने मैच हुए इन दोनों के बीच। तो यहाँ से एक मैच हुआ, ये तो 22 मिस को मिल गया, ये 2 मैच हुआ, 3 मैच हुआ, 4 हो गया, 5 मैच हुआ, 6 हो गया, 7 मैच हुआ, 8 मैच हुआ, 9 हुआ, 10 मैच हो गया, 11 मैच हुआ और 12 मैच हुआ। अब चेक कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम 13 था, मैच कितना हुआ, 12 हो गया। अपर हाफ में 7 टीम है, बिल्कुल अपर हाफ में 7 टीम है, लोअर हाफ में 6 टीम है, 1 2 3 4 5 6 है। राउंड कितने हुए, 4, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और 4 राउंड हो गया। नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ, अपर हाफ में 1 22 जो कि 1 22 यहाँ मिला हुआ, लोअर हाफ में 2 22 मिलना था तो 2 22 यहाँ मिला। इस तरह से ये नॉकआउट टीम जो है, नॉकआउट फिक्सर एक क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे जो सेकंड है लीग आउट, जिसको रॉबिन भी बोलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आप एज अ होमवर्क समझो, या फिर इस पे आप प्रैक्टिस करना, 21 पे कर लेना, 23 पे कर लेना और एक 17 पे कर लेना। अगर ये आप 3 को कर लेते हैं तो 7 मार्क्स आपकी इस चैप्टर से पक्की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।